झारखंड और देश विदेश की खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। पहला खबर है जमशेदपुर से। जमशेदपुर के सुख सलाई के तर पर चमकेगा चाकुलिया नगर पंचायत। खर्च होंगे 4.68 करोड़ रुपये। विवादों को लेकर अक्सर सुर्खियों पर रहने वाले चाकुलिया नगर पंचायत को चमकाने की कवायद नगर विकास विभाग ने शुरू कर दी है। इसके लिए विभाग द्वारा 4.68 करोड़ रुपये की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। यह खबर है रांची से। रिम्स के कंबल बैंक से मरीज के परिजन हो रहे हैं लाभान्वित। जाने कैसे काम करता है रिटर्न एंड रिफंड फार्मूला। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में न सिर्फ मरीजों का इलाज व देखभाल किया जाता है, बल्कि इलाज के लिए अस्पताल आए उनके परिजनों के लिए भी रिम्स प्रबंधक सोचता है। बढ़ती ठंड के बीच किसी भी अस्पताल में परिजनों के लिए कंबल की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में रिम्स में एक कंबल बैंक है जिसका संचालन प्रबंधक द्वारा किया जा रहा है। यहीं से मरीज के परिजन अपनी आवश्यकता के अनुसार कंबल ले सकते हैं। मालगाड़ी पर चढ़कर सेल्फी ले रहा था किशोर, तार की चपेट में आकर जिंदा जल गया। यह खबर है रांची से। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना अंतर्गत मायाल रेलवे स्टेशन में खड़ी एक मालगाड़ी पर चढ़कर सेल्फी लेने के चक्कर में रविवार की शाम एक 17 वर्षीय किशोर जिंदा जल गया। सेल्फी लेने के दौरान किशोर रेलवे ट्रैक के ऊपर लगे 25,000 वोल्ट के तार की चपेट में आ गया, इससे वो जिंदा जल गया। किशोर के शरीर का लगभग आधा भाग जलकर रेलवे ट्रैक पर गिर गया। इस घटना के बाद स्टेशन में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। खबर है घोटाले को लेकर, इस मिस्टर इंडिया के पीछे कौन सा राज है, तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। नगर निगम में सड़क बनाने के नाम पर 200 करोड़ का घोटाला हुआ। भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने मामला दर्ज कराया, जांच जारी है। नगर विकास विभाग की टीम भी लगी हुई है। पिछले साल 3 बार टीम इसकी जांच करने आ चुकी है। निचले से लेकर ऊपर तक अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। इन सबके बीच एक यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है, इस घोटाले की पोल खोलने वाले ही मिस्टर इंडिया बन बैठा है। यह खबर है धनबाद से। पीएम सिंह के इशारे पर हुआ रविंद्र नगेश का पत्ता साफ, इस्तीफा देकर सोशल मीडिया प्रभारी ने किया खुलासा। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को दरकिनार कर रही है। वरिष्ठ नेताओं को जहां चुनाव में टिकट नहीं दिया जा रहा है, वहीं पार्टी की कमेटियों में भी उन्हें जगह नहीं दी जाती है। जनाधार वाले ब्राह्मण नेताओं को पार्टी में शामिल नहीं होने दिया जाता है। जो शामिल है उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही है। पार्टी की बैठकों में उन्हें जलील किया जा रहा है, कहना था ग्रामीण जिला कमेटी के सोशल मीडिया प्रभारी सपन ओझा का। जल्द लगेगी लंका में आग, जोहरे भाई ने कर दी शुरुआत, मोहतरमा भी मैदान में। यह खबर है धनबाद से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के बीच जारी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई के मॉडल के साथ दुष्कर्म प्रकरण को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बाद यह मामला झारखंड हाई कोर्ट में चल रहा है। मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज किया है, इसके चलते सोशल मीडिया में हंगामा है। यह खबर है जमशेदपुर से। जागते रहो कि जमशेदपुर पुलिस सो रही है, पलक झपकते ही चोर खंगाल ले आपका घर। जागते रहिए क्योंकि जमशेदपुर पुलिस सो रही है। पुलिस सो रही है तभी तो शहर में 4 दिनों में चोरी की वारदात जारी है। व्यापारियों और घरों की चोर निगाह निशाना बना रहे हैं, सड़कों से वाहन चुरा ले जा रहे हैं। घटना से लोग भयभीत हैं। सिटी पेट्रोलिंग थाना की गश्ती और टाइगर मोबाइल व्यवस्था रात्रि में गायब हो जा रही है और चोर चोरी को अंजाम दे निकल जा रहे हैं। यह खबर है देवघर से। लक्ष्य को भेदने देवघर की धरती पर उतरेंगे राज्य स्तरीय निशानेबाज। देवघर कॉलेज मैदान में 21 से 23 जनवरी तक 11वीं झारखंड राज्य राइफल शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता के दौरान 400 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। इसमें निशानेबाज में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके 250 खिलाड़ी और 150 नेशनल लेवल पर अपनी पहचान स्थापित करने वाले लक्ष्य को भेदने बाबा नगरी पहुंचेंगे। वहीं कई ऐसे खिलाड़ी के भी देवघर पहुंचने का अनुमान है जिन्हें अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तरीय पर भी बना ली है, हालांकि अभी तक उनके नाम तय नहीं हो पाए हैं। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ खूंटी पुलिस को बड़ी सफलता, लेवी वसूली करने वाले 3 उग्रवादी गिरफ्तार। यह खबर है खूंटी से। झारखंड की खूंटी पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सली संगठन PLFI के लाका पहान दस्ते के लिए ठेकेदारों और डीलरों से लेवी वसूल कर पहुंचाने वाले 3 उग्रवादियों को पुलिस ने
महरूह थाना क्षेत्र के जाते नाला के पास से गिरफ्तार किया है। इसमें बुद्धाराम एपेंगडोंग, सुखाराम हसा व बुद्धू हसा शामिल है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो कोरोना पॉजिटिव, रिम्स में हुए भर्ती। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें रिम्स के पेंग वार्ड में भर्ती कराया गया है। यह जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है। पिछले दिनों वे बीमार थे, रिम्स में कोरोना की जांच कराई तो संक्रमित पाए गए हैं। आइए जानते हैं खबर देश विदेश से और देश की विभिन्न योजनाओं एंड खेलों से। सेना ने मारे पाक सैनिक, उड़ा दिए आतंकियों के घर, भारत का सबसे बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा लगातार किए जा रहे सीज फायर के उल्लंघन का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सैनिकों को करारा जवाब देते हुए मार गिराया है। कश्मीर के राजौरी ने नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना ने पाक सेना पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के मुंह में ढकेल दिया है, जबकि कई पाकिस्तानी सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। साथ ही भारत द्वारा की जा रही कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 4 फॉरवर्ड पोस्ट भी उजड़ गए हैं। चुनाव जीतने के लिए ममता बनर्जी ने अपनाया भाजपा का फार्मूला, जो बाइडेन ने भी अपना चुके हैं। कुछ महीने बाद ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, सियासी सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े वादे करना शुरू कर दिए हैं। चुनाव नतीजे के लिए ममता बनर्जी ने अब भाजपा का फार्मूला अपनाया है। इसके लिए पहले भाजपा के इस फार्मूले को अमेरिका निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन भी अपना चुके हैं। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि उनकी सरकार राज्य की जनता को फ्री में कोरोना वैक्सीन मुहैया कराएगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाने की घोषणा की थी। ममता सरकार की इस फैसले को राज्य विधानसभा के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। पावर ब्लैकआउट से अंधेरे में डूबा पाकिस्तान, मंत्री शेख रशीद ने भारत को बताया जिम्मेदार। प्रधानमंत्री इमरान खान चुनाव में नया पाकिस्तान बनाने का वादा कर सत्ता में आए थे, लेकिन आर्थिक तौर पर बदहाल और कंगाल पाकिस्तान की हालत यह है कि शनिवार देर रात को अचानक पूरे देश में बिजली गुल हो गई। इस वजह से पाकिस्तान के प्रमुख शहर और प्रांत कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी पूरी तरह अंधेरे में डूब गए। हमेशा की तरह पाकिस्तान ने इसका दोष भी भारत के हिस्से में डाल दिया। ट्विटर ने ट्रंप का अकाउंट बंद कर सख्त संदेश दिया। अब भारतीय सांसदों ने इसे सबक सिखाने की ठानी है। पाकिस्तान, चीन और ईरान जैसे देशों में जहां सरकारें फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया साइट्स को प्रतिबंध करने के लिए खबरों में रहती है, तो वहीं अमेरिका जैसी लोकतांत्रिक देश में सोशल मीडिया दिग्गज एक मौजूदा राष्ट्रपति को ही प्रतिबंध करने में लगी है। अमेरिका के कैपिटॉल हिल में हुई हिंसा के बाद ट्विटर, फेसबुक, गूगल और अमेज़न जैसे दिग्गजों ने डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थकों को प्रतिबंध करने का फैसला ले लिया है। उदाहरण के लिए न सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप को इन सभी प्लेटफॉर्म से प्रतिबंधित किया जा चुका है, बल्कि बाकी दक्षिणी पंथी नेताओं के ट्विटर फॉलोअर्स को भी कम किया जा रहा है। फिल्म अभिनेत्री कंगना ने की सीएम शिवराज से मुलाकात, बोली, पता चला आपको मामा क्यों कहते हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी अपकमिंग फिल्म धाकड़ की शूटिंग में बिजी चल रही है। वे इस समय भोपाल में फिल्म की शूटिंग कर रही है। अब क्योंकि वे भोपाल गई है, ऐसे में उनकी मुलाकात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी हो गई। वे बता रहे हैं कि सीएम शिवराज से मिलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि आखिर क्यों वे मामा कहे जाते हैं। ट्वीट में कंगना लिखती है, धाकड़ की टीम ने शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, आज पता चला कि उन्हें प्यार से मामा जी क्यों कहते हैं। काफी विनम्र और प्रेरणादायक स्वभाव है, समय देने के लिए उन्हें शुक्रिया। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों को तत्काल हटाने की सुप्रीम कोर्ट से गुहार। सुप्रीम कोर्ट से कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों को तुरंत हटाने की मांग की है। शीर्ष अदालत में 11 जनवरी को होने वाली सुनवाई से पहले मुख्य याचिकाकर्ता ऋषभ शर्मा ने हलफनामा दायर कर कहा है कि सिंघू, गाजीपुर, चिल्ला और टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों के कारण लाखों लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है, लिहाजा सीमाओं को तुरंत खुलवाने का आदेश पारित किया जाए। किसानों को अवरोध की इजाजत देकर सुप्रीम कोर्ट शाहीन बाग मामले में दिए अपने फैसले का विपरीत काम कर रहा है।
देवी सीता पर टीएमसी सांसद की अपमानजनक टिप्पणी, गुस्से से भड़के हिंदू, हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करना जैसे ट्रेंड बन गया है। अब तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने देवी सीता के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। कल्याण बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, सीता राम के पास जाकर बोली कि मेरा सौभाग्य था कि रावण ने मेरा हरण किया, अगर तुम्हारे भगवाधारी चेलों ने मेरा हरण किया होता तो मेरा हाल यूपी के हाथरस जैसा होता। एयर इंडिया के कॉक पीट में थी केवल महिला पायलट, भरी सबसे लंबी उड़ान। हवाई यात्रा में नया इतिहास रचने के लिए एयर इंडिया की सिर्फ महिला पायलट वाली फ्लाइट उड़ान भर चुकी है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक नॉनस्टॉप उड़ान भरने वाली ये पहली फ्लाइट है। ये उड़ान उत्तरी ध्रुव के ऊपर से होते हुए और अटलांटिक मार्ग से कर्नाटक की राजधानी पहुंचेगी। लद्दाख में कड़ाके की ठंड से जवानों को बचाएगी डीआरडीओ की बुखारी। लद्दाख में चीन सरहद पर तैनात भारतीय सेना के जवान दो दुश्मनों से मुकाबला कर रहे हैं। एक तरफ चीनी सेना है तो दूसरी तरफ जानलेवा मौसम। ऐसे में डीआरडीओ ने एक ऐसी बुखारी बनाई है जो विशेष तौर पर लद्दाख जैसे ठंडे इलाकों में सैनिकों के लिए है। मिशन गगनयान में भारतीय वायुसेना के दो फ्लाइट सर्जन स्पेस मेडिसिन का प्रशिक्षण लेने जाएंगे रूस। भारतीय अंतरिक्षयान अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अनुसार भारत गगनयान अभियान के लिए स्पेस मेडिसिन के क्षेत्र में रूसी अनुभव का लाभ लेने जल्द ही दो फ्लाइट सर्जन रूस के लिए उड़ान भरेंगे। ये फ्लाइट सर्जन भारतीय वायुसेना के डॉक्टर है जो एयरोस्पेस मेडिसिन में दक्ष है। इसरो के एक अधिकारी ने बताया कि यह फ्लाइट सर्जन जल्द ही रवाना होंगे और इन्हें रूस में प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद प्रशिक्षण के लिए फ्लाइट सर्जन को फ्रांस भी भेजा जाएगा। इसरो के अधिकारी ने बताया कि अंतरिक्ष में मानव भेजने का भारत का यह मिशन बेहद महत्वाकांक्षी है। इस अभियान के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। लव जिहादियों के लिए काल बने उपदेश राणा। अब तक कई हिंदू लड़कियों को जिहादियों के चंगुल से मुक्त करा चुके हैं। युवा हिंदूवादी नेता उपदेश राणा ने लव जिहाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी टीम के साथ मिलकर उपदेश राणा लव जिहादियों के लिए काल बन चुके हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उपदेश राणा अब तक कई हिंदू लड़कियों को जिहादियों के चंगुल से बचा चुके हैं। हाल ही में उपदेश राणा की टीम सक्रियता की वजह से एक हिंदू लड़की लव जिहादी के चंगुल से फंसते फंसते बच गई। ढाबे वाले बाबा को मदद के लिए अमिताभ बच्चन ने भेजे थे 5.5 लाख रुपए। जानिए कैसे हुआ खुलासा। दिल्ली के मालवीय नगर में छोटे से ढाबा चलाने वाले बाबा कांता प्रसाद की सोशल मीडिया ने जिंदगी बदल दी। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पाई पाई को मोहताज बाबा अब रेस्टोरेंट के मालिक बन गए हैं, क्योंकि बाबा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिससे जितना बन सका सबने दिल खोकर मदद की। इस बीच एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जानकारी यह है कि ढाबे वाले बाबा की मदद के लिए बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी 5.5 लाख रुपए भिजवाए थे। हालांकि बाबा ने किसी से बताया नहीं था कि बिग बी ने भी उनकी मदद की थी। इसका खुलासा हुआ अमिताभ बच्चन के शो केबीसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव को करेंगे संबोधित। युवाओं को मिलेगा विचार रखने का मौका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी यानी कल सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के आयोजन को संबोधित करेंगे। समारोह के दौरान 3 राष्ट्रीय विजेता भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सहित अन्य लोग भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। आरआरबी एनटीपीसी 2021 एडमिट कार्ड एग्जाम डेट फेज 2 एडमिट कार्ड का इंतजार तो देख ले ये जरूरी जानकारी। रेलवे में एनटीपीसी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अब दूसरे फेज पर पहुंच रही है। पहले चरण की ऑनलाइन सीबीटी 1 परीक्षा 28 दिसंबर 2020 से जारी है और मार्च 2021 तक चलेगी। परीक्षा के पहले फेज में 22 लाख उम्मीदवारों के लिए एग्जाम जारी है, जबकि दूसरे फेज की एग्जाम डेट जारी कर दी गई है। जारी नोटिस के अनुसार एग्जाम 16 जनवरी से शुरू होंगे, जिसमें लगभग 27 लाख उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। जिन उम्मीदवारों का एग्जाम दूसरे फेज में है उनके एडमिट कार्ड 12 जनवरी को जारी होंगे। यह जानकारी बोर्ड द्वारा जारी नोटिस में दी गई है।
बोर्ड ने अपनी सभी रीजनल वेबसाइट पर एग्जाम सिटी और डेट चेक करने का लिंक 6 जनवरी को लाइव कर दिया था। अब एडमिट कार्ड जारी किए जाने हैं, जिसके लिए लिंक मंगलवार 12 जनवरी को एक्टिव होंगे। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। या वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने की बदतमीजी, लेकिन टीम पेन ने किया कुछ ऐसा कि जीता भारतीयों का दिल। भारतीय क्रिकेटरों के लिए सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर तीसरे टेस्ट मैच के दौरान नस्ली टिप्पणियों के कारण जहां क्रिकेट समुदाय रोष में है, वहीं ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टीम पेन ने भारतीयों के पास पहुंचकर दिल जीता। दर्शकों के एक समूह ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के लिए नस्ली टिप्पणी की, जिसके कारण कुछ मिनट तक खेल रुका। इसके बाद कुछ दर्शकों को बाहर कर दिया गया और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को माफी मांगनी पड़ी। ऑस्ट्रेलियाई कोच जस्टिन लेंगर ने पेन की व्यवहार की प्रशंसा की। लेंगर ने कहा कि यह देखकर अच्छा लगा कि आज यह टीम घटना घटी तो टीम उनके पास पहुंची। यह बहुत अच्छा व्यवहार है। क्रिकेट का खेल हमेशा बहुत प्रतिस्पर्धा के साथ खेला जाएगा, लेकिन दोनों टीमों को एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं हैं और उम्मीद है कि आगे भी यह बनी रहेगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।